हाय हाय। दो दिन पहले मैंने भाभी जी को मार्केट में देखा, किसी आदमी के साथ। तलाक के बारे में एक ऑर्डिनेंस आज अप्रूव कर दिया है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था, उस फैसले में तीन तलाक को निरस्त किया था। ये निर्णय आपको मालूम है पिछले साल का था। लोकसभा से हमने इसको पारित कराया, राज्यसभा में लटक गया। अभी तक 433 तीन तलाक की घटनाएं हमें मालूम हुई हैं। जो हम जानकारी प्राप्त कर पाए हैं विभिन्न स्रोतों से, जिसमें 229 जजमेंट के पहले के, तुरंत उसी साल के, और 201 जजमेंट के बाद के हैं। और यह संख्या है जनवरी 2017 से सितंबर 13, 2018 तक। इसको इतना अपडेट किया है। हमने कांग्रेस पार्टी को साथ लेने की बहुत कोशिश की थी। प्रधानमंत्री के निर्देश पर अनंत कुमार और हम उनके नेता उपनेता से मिले थे, तो हमारे गुलाम नबी थोड़े व्यस्त थे, कहे कि अनंत कुमार से बाकी बात करिए। मैंने 5 बार उनसे आग्रह किया, 5 बार, कि आप सहमति दीजिए, अब तो काफी बदलाव भी हो गया है। कहा मैं ऊपर बात करके बताऊंगा, ऊपर बात करके बताऊंगा। और लास्ट की कहानी आपको मालूम है कि बाकी पार्टियों का भी राय लीजिए। वोट बैंक के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन नहीं दिया और हमारा स्पष्ट आरोप है कि सोनिया जी ऐसी वरिष्ठ महिला नेत्री होने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ इतना बड़ा दमनकारी तीन तलाक चलता है और वो खामोश रहती है। देयरफॉर देयर वाज अ कंपेलिंग नेसेसिटी टू कम विद एन ऑर्डिनेंस, देयर वाज एन ओवरपावरिंग अर्जेंसी टू कम विद एन ऑर्डिनेंस। दो नियरली 22 मुस्लिम कंट्रीज हैव रेगुलेटेड ट्रिपल तलाक बाय वेरियस मेजर्स। इन ए सेक्युलर कंट्री लाइक इंडिया, प्रोटेक्टेड बाय फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, 15 and 21, जेंडर जस्टिस वॉज गिवन कंप्लीट गो बाय बिकॉज ऑफ ब्लेटेंट वोट बैंक पॉलिटिक्स।